हर साल की तरह इस साल भी ओरछा के रामराजा मंदिर में 3 दिवसीय राम विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां रामराजा की बारात बुंदेली राजश्री अंदाज में निकाली। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में जब रामराजा मंदिर से बाहर निकले तो हर तरफ राम सिया के जय घोष थे। पहले दिन गणेश पूजन के बाद दूसरे दिन मंडप का आयोजन किया गया। जगह जगह बुंदेली विवाह गीतों के गायन के साथ श्री रामराजा सरकार दूल्हा बनकर जनकपुरी पहुंचे और राम सीता विवाहोत्सव बुंदेली परंपराओं के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। हर वर्ष जो उत्सव का आनंद होता है, उत्साह कोरोना के कारण से प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन भगवान के दरबार में जो एक उत्सव होना चाहिए वैसा ही उत्सव आज बुंदेलखंड की कहे जाने वाली अयोध्या ओरछा में वैसा ही उत्सव है, वैसा ही आनंदमय है। और सब लोग मीडिया के साथ ही और पूरा बुंदेलखंड आज गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है कि आज शादी में सब सम्मिलित हुए। पूरे दुनिया में एक ही ऐसा स्थान है ओरछा रामराजा सरकार की जगह, जहां कितने भी बड़े वीवीआईपी कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता, यहां गार्ड ऑफ ऑनर होता है तो राजा राम जी के रूप में चारों पहर भगवान राम को होता है। ऐसी नगरी में आज जो है हम सब सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात राम जी जो राजा के रूप में भी हैं, उनकी बारात में हम सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनकी कृपा से ये ओरछा जहां वो विराजते हैं अब यूनेस्को की भी जो लिस्ट है उसमें भी शामिल हो गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि खुशियां तो यहां भरपूर रामराजा सरकार ने दी हैं, लेकिन और चार चांद इस ओरछा नगरी में और मध्य प्रदेश की शान में लगेंगे। हमने डिसाइड किया कि हम जितना आयोजन करने के लिए सक्षम होंगे इस पीरियड में हम उसको अलाउ कर सकेंगे, तो अगर लोग भी हमारे साथ चल के उसको पालन करते हुए उसको अपने इस आयोजन को जिंदा रखें तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आयोजन दोनों के सामंजस्य से होता है, एक किसी के पीछे हट जाने से उसका सारा मतलब हमारे को परिस्थितियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ बारात निकली है, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और इसी उत्साह के साथ बारात निकल रही। 3 दिन का उत्सव रहता है बारात में, लोग ओरछा में जब राजा राम निकलते हैं तो लोग टीका करते हैं और कोविड के नियमों का पालन के साथ ये बारात निकल रही।